ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड्री इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कल यानी कि 6 दिसंबर का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सो आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सके बैंक निफ्टी में। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है, इंडिकेटर पर एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करने वाले, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी एड करेंगे। सो आपको कुछ करने कुछ नॉलेज लेना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा निफ्टी है वो 12,000 से लेकर 12,050 के बीच में कहीं क्लोज हुआ है। हम कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैं कॉल साइड देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 12,100 पे दिख रहा है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं पुट साइड देखता हूं तो सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप मेरे को 12,000 पे दिख रहा है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। लेकिन ये क्या है कि अपनी क्लोजिंग प्राइस के भी नजदीक है, तो हो सकता है कि आपको एक आगे का सपोर्ट लेना पड़े। तो अगर मैं आगे का देखता हूं तो मेरे को उसके बाद की जो प्राइस दिख रही है वो 11,900 की दिख रही है। उस पर भी क्या कि अच्छी खासी ओआई बिल्डअप है, जो क्या है कि 12,000 है उसके नियर अबाउट है, तो ये भी आपके एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है कल के लिए। बाद में हम मार्केट का एक मूव जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कॉल साइड देखूं, अगर मेरे को वहां लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा अप, लेकिन कॉल साइड मेरे को कोई ऐसी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही है। बाद में हम पुट साइड आ जाते, पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। तो आप देख रहे हो तो पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। बाद में हम कॉल साइड आ जाते, अगर कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन देखने को मिले तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। तो कॉल साइड हम देख रहे तो कॉल साइड हमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है। बाद में हम फिर से पुट साइड आ जाते, पुट साइड हमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट जाएगा अप। तो हमें थोड़ी दूर की प्राइस पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो इसका मतलब मार्केट अप जाने के चांसेस भी है। इन सिंपल हमने 4 पॉइंट देखे, 2 पॉइंट डाउन जाने के मिले, 1 पॉइंट अप जाने के मिला और 1 पॉइंट में कुछ नहीं मिला। तो इन सिंपल निफ्टी में कल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर। जो हमारा बैंक निफ्टी है वो 31,700 से लेकर 31,800 के बीच में कहीं क्लोज हुआ, तो इसमें भी सेम रहेगा। कॉल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कॉल साइड देख रहा हूं तो मेरे को 32,500 पे क्या है कि सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप दिख रही है, तो ये मेरे रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूं तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप 31,500 पे दिख रहा है, तो ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो ये तो हो गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी कल कौन सा मूव दे सकता है। तो अगर मैं देखू कॉल साइड, अगर मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी कल अपसाइड जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप वहां देखने को नहीं मिली। बाद में हम पुट साइड आ जाते, पुट साइड अगर मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी जाएगा डाउन। तो पुट साइड देख रहा हूं तो मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डाउन जाने के चांसेस है। बाद में हम फिर से कॉल साइड आ जाते, अगर कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन। तो कॉल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंक निफ्टी डाउन जा सकता है। बाद में हम फिर से पुट साइड आ जाते, अगर पुट साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी जाएगा अप, लेकिन पुट साइड मेरे को कोई ऐसी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही। इन सिंपल हमने 4 पॉइंट देखे, 2 पॉइंट में से कुछ नहीं मिला और बाकी के 2 पॉइंट हमें डाउन साइड के मिले। तो इन सिंपल कल बैंक निफ्टी डाउन साइड दे सकता है। तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कौन से सपोर्ट होंगे, कौन से रेजिस्टेंस होंगे वो फाइंड करते हैं। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो हम कल क्या होगा वो देखेंगे। तो कल के लिए जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो क्या होगा, पहला सपोर्ट देखो ये राइजिंग लाइन है वो होगी। बाद में उसके नीचे 11,935 का लेवल है। तो अगर मैंने क्या किया कि ये देखो ये दोनों पास पास आ रही है, तो मैंने क्या किया एक जोन बना दिया कि 11,950 से लेके 11,935 का, अगर ये जोन में मेरे को कोई रिवर्सल पैटर्न दिखा के अपसाइड जाने का मूवमेंट देता है तब हम इसमें बाइंग में आ सकते हैं, वरना बाइंग में नहीं आएंगे। बाद में अगर मेरे को सपोर्ट इसके अलावा चाहिए, उसके नीचे चाहिए, तो उसके नीचे जो मेरा सपोर्ट होगा वो 11,900 होगा। अगर उस पर भी मेरे को कोई रिवर्सल पैटर्न दिखा देता है तब हम इसमें बाइंग में आ सकते हैं। बाद में अगर मेरे को सेलिंग करना है तो कब करूंगा,
अगर हाल फिलहाल मार्केट कल ओपन होके थोड़ा डाउन साइड जाके थोड़ा अपसाइड दिखा के जो ये 12020 का लेवल है, जो ये लेवल है 12020 का, अगर ये मेरे को इधर से नीचे जाता हुआ दिखे तब भी मैं इसमें सेल आ सकता हूँ। बाद में मान लेते कि चलो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। और जो ये 12080 का लेवल है, अगर ये उस पर भी क्या है कि सेल साइड के रिवर्सल दिखाता है तब भी मैं इसमें सेल आ सकता हूँ। इन सिंपल जो मेरा 12020 का लेवल और 12080 का लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। और जो हमारे सपोर्ट है जो हमने आगे डिस्कस किया वही है कि जो हमारा जोन है 11950 से लेकर 11935 तक, अगर उसके नीचे जाए तो 11900 का हमारा सपोर्ट रहेगा। तो ये थे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए निफ्टी में। तो अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कौन से हमारे सपोर्ट होंगे, कौन से हमारे रेजिस्टेंस होंगे कल के लिए। अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो देख लेते कल क्या हो सकता है। मान लेते बैंक निफ्टी कल ओपन हो रेड में और ये जो हमारी सपोर्ट लाइन है राइजिंग सपोर्ट लाइन उस पे ही थोड़ा नीचे जाके सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन देता है तब मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो बाद में जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा 31470 का लेवल। अगर ये लाइन पे भी मेरे को क्या है कि रिवर्सल दिखा के ऊपर के जाने का साइन देता है तब मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो उसके बाद का जो लेवल होगा वो होगा 31250, वो मेरा सपोर्ट ही होगा। तो ये हो गई हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब हम देखते हैं कि सेल साइड कहाँ ले सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये कल ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया, ये जो हमारी राइजिंग सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करके नीचे चला गया, नीचे जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस करके इसी लाइन पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का साइन देता है तब भी हम इसमें सेल में आ सकते हैं। बाद में रेजिस्टेंस की बात करें तो ये मार्केट ओपन होके कल बैंक निफ्टी थोड़ा अपर जाने का साइन देता है तो बाद में जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 31770 का लेवल होगा। अगर ये इस लेवल के आसपास से भी नीचे जाने का साइन देता है तब भी हम इसमें सेल में आएंगे। बाद में उसके अपर की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो 32000 होगा। अगर ये 32000 पे भी आपको सेल साइड के सिग्नल देता है तब भी आप इसमें शॉर्ट में आ सकते हो। लेकिन जो मेरा कल का दिन है वो मोस्टली सेलिंग में रहेगा। अगर मेरे को सेल में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नो डाउट मैं सेलिंग में जाऊंगा। अगर ये नीचे के लेवल पे मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी बताता है तब भी मैं इसमें बाइंग में आ सकता हूँ। तो ये थे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे हैं, बाद में हम उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर टाइम गुड बाय जय हिंद।